अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है। मैं ना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बादाम वाला कोरमा, तो गैस इधर भी नहीं आती। देख लें जी, इनके भी चूल्हे नहीं चल रहे, गैस हर जगह ही नहीं आती। एक हंडिया बना चुकी है, दूसरा बनाने लगी है जी। ये देखो जी, ये प्याज का काट रही है कढ़ाई में। ये देखे जी, सिलेंडर पे बनाने लगे हैं हम लोग। सिलेंडर पे कढ़ाई रख दी है, पास पड़ी हुई है एक बड़ी सी पीढ़ी। ये जी कुकिंग ऑयल, अंदाजे से ही। अच्छा जी, प्याज को करेंगे लाइट ब्राउन। इसने सिलेंडर पे, हाय मेरे रब्बा, इस तरह नहीं चलाते। देखिए जी माशाल्लाह, लाइट ब्राउन हमने प्याज करना है तो ब्राउन होना शुरू हो गया, अभी हुआ नहीं है। ये नहीं कि सॉफ्ट हो गए हैं प्याज, तो मसाले निकाल लूँ मैं, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। माशाल्लाह प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया। ये देखें जी, इतना ही घी डालना है, 4 से 5 प्याज हैं और हसबे ज़रूरत पे इसमें हमने ऑयल डाल दिया। सिलेंडर पे हम बना रहे हैं। और ये है जी 1 kg चिकन, और ये मसाले हैं, ये है कौरमा मसाला, ये 2 चम्मच कौरमा मसाला है, ये सुर्ख मिर्च, ये धनिया पाउडर, ये दादड़ मिर्च, ये हसबे जायका नमक, अदरक लहसुन की 1 टेबल स्पून, हाँ जी 1 चम्मच पेस्ट, यानी कि पेस्ट नहीं है, हमने कुंडी में इसको कूटा है। ये बादाम है, बादाम को गर्म पानी में हम भिगोने लगे हैं, इनके छिलके उतारने हैं। ये चंद मिर्चें हैं, और ये है नारियल पाउडर 2 चम्मच, ये दही जाएगा इसके अंदर। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम पूरी रेसिपी दिखाएँगे इनशाला, तो आप भी बना के खाइएगा। अच्छा जी, ये लाइट ब्राउन हो गया, थोड़ा सा हमने और करना है, इसलिए ये जैसा कोरमे में डालते हैं ना ग्राइंड करके, वही है मतलब प्याज हमने करना है, इसको हमने करना है बाद में ग्राइंड। अच्छा जी, ये देखें जी प्याज ब्राउन हो गया, हम अपना एक टिश्यू पेपर पे निकाल रहे हैं इसको, ये प्लेट है। अच्छा जी, ये देखें लाइट ब्राउन करके हमने टिश्यू पे निकाल लिया है, अब दिखा। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन की जो हमने पेस्ट बनाई है वो। आपके पास पेस्ट है, पेस्ट डाल सकते हैं, हमने तो मतलब इसको कुंडी में कर ली है। इसको ब्राउन करना है, अच्छा लाइट सा ब्राउन करना है, इसको भी लाइट ब्राउन करना है जी हमने, ये देखें। और तब तक हम कर लेते हैं प्याज ग्राइंड। अच्छा जी, अदरक लहसुन की पेस्ट जो डाली थी वो ब्राउन हो गई है, लाइट ब्राउन करके इसमें डाल रहे हैं हम लोग चिकन। चिकन को लाइट ब्राउन करके फिर या जो मसाले हैं वो डालेंगे। कितना मुश्किल होता है सिलेंडर पे खाना बनाना, हम भी घर में सिलेंडर यूज़ करते हैं, और ज़्यादा बनाना हो तो फिर मैं आपको पता भी छत पे बना लेती हूँ। तो इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए, अल्लाह ने हमें हर चीज़ दी हुई है, बाकी हम ना कर लेते हैं, जिस तरह भी हमें मैनेज करना हो हम कर लेते हैं। ये देखिए जी, अब लाइट ब्राउन करेंगे अपना चिकन। ज़्यादा भी चिकन हमने नहीं ब्राउन करना, क्योंकि फिर और प्याज भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, फिर कोरमे का कलर ब्लैक ब्लैक आ जाता है। लाइट ब्राउन रखना है हर चीज़। अच्छा जी, साथ हमने ये चिकन जो ब्राउन कर रहे हैं, ये ब्राउन हो रहा है तो मैं कर लेती हूँ, पानी गर्म किया, उसमें बादाम डाले हैं। ये हमने पानी थोड़ा सा गर्म कर लिया एक छोटे से बर्तन में, उसमें डाल दिए हैं बादाम, क्योंकि बादाम हमने पहले भिगोए नहीं थे, अभी हमारा प्रोग्राम बना है कोरमा बनाने का। तो अब इनके छिलके उतार के और ये प्याज जो है इसको ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा जी, ये जो दही हमने रखा था इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। ये देखें जी, ये दही के अंदर मसाले मिक्स करने हैं। ये मसाले डाल के इसके अंदर जो मतलब दही के अंदर जो मसाले डाले हैं इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। ये मिक्स कर लिया है, ये कुछ यूं हो जाएगा ठीक है। अब हम बादाम छील लेते हैं। प्याज चिकन हमारा ब्राउन हो चुका है, इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। अब ये जो मसाले हैं ना ये डालने हैं, ये देखिए, ये माशाल्लाह जो दही में हमने मसाले सारे मिक्स किए थे वो डाल दिए। तो अब इसमें मसाले डाल के इसको अच्छी तरह भुनेंगे, और बादाम भी हमने छील लिए, ये देखें। अब इनको ग्राइंड करते हैं। अच्छा जी, इसमें टमाटर
वगैरह कुछ नहीं जाता, सिर्फ यही चीज़ें जाती हैं। ये देख लें जी, अब इसी दही में इसको पकने के लिए रख देंगे हम। अच्छा जी, ये माशाल्लाह चिकन पक रहा है। ये देखें, हमने पानी शानी कुछ नहीं डाला, वो जो दही था वही हाफ के जी दही था, उसमें मसाले डाले। 1 kg चिकन था, हाफ के जी दही था, उसमें सारे मसाले डाल दिए और बादाम छील लिए। और मैं दिखाती हूँ आगे, हम बादाम वगैरह मिक्स ग्राइंड करने लगे हैं इस कोरमे के लिए। ये हम बादाम जग में डाल रहे हैं। बादाम और कोकोनट का जो पाउडर है ये हम इकट्ठा ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा इसमें। गार्निश के लिए ये देखें जी, ये कोकोनट पाउडर डाल दिया, वो बादाम डाल दिए, तो अब इसको ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, ये देखें जी। इसकी एक ना लिक्विड पेस्ट बनानी है, ये देखें, ये है जी। ये हमने ग्राइंड कर लिया, इसको दड़दड़ा सा करना है, मतलब ज़्यादा बारीक नहीं करना, यानी कि करना है। एक तो ज़्यादा पेस्ट बन जाती है बारीक, एक दड़दड़ा सी होती है। ये देखें, ये अभी बादाम लगे हुए अंदर, ऐसे करना है। अब जी हम ना प्याज करने लगे हैं, जो हमने लाइट ब्राउन करके रखा हुआ था वो ग्राइंड, उसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा दही, थोड़ा सा पानी, ताकि इसका भी पेस्ट अच्छी तरीके बन जाए। अब डालेंगे जी इसमें आधा गिलास पानी, आधा गिलास में थोड़ा सा ही डालेंगे, तो यानी कि कुछ डालेंगे इसमें दही। ये देखें जी, ये दही डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये जी हमने जो पेस्ट बना लिया, ये भी ज़्यादा बारीक नहीं करना, इसको भी दड़दड़ा सा करना है, क्योंकि ज़्यादा बारीक ये भी नहीं करना। अच्छा जी, इसमें जो हमने दही डाला था वो तकरीबन खुश्क होने वाला है, उसका जो पानी बन गया था, पानी तो हमने डाला ही नहीं, अब इसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो डालने का टाइम आ गया। अच्छा जी, ये हम जो प्याज है ग्राइंड किया वो डाल देंगे। ये डाल दिया अंदर सारा प्याज, हर चीज़ मेहनत से बनती है और खाई जल्दी जाती है। ये देखें जी कितना अच्छा लग रहा है कोरमा, तो भी दिल कर रहा है खाने को भी। अभी इसमें और चीज़ें हमने डालनी है। माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, और कलर कितना अच्छा आया इसका। कलर इसलिए अच्छा आया, अभी हमने चिकन को भी लाइट ब्राउन किया और प्याज को भी लाइट ब्राउन किया। अच्छा जी, ये जो हमने नारियल पाउडर और बादाम ग्राइंड करके रखे हैं, अब वो डाल दिए। बिल्कुल पकने पे आ गया ये, माशाल्लाह तैयार हो गई हमारी डिश। अब इसको 5 मिनट हम और पकाएंगे। ये बहुत जल्दी बनती है, यानी कि कढ़ाई जो बनाई है ना हमने कोरमा। अच्छा जी माशाल्लाह, ये देखिए जी, इसने घी छोड़ दिया है और कढ़ाई हो गई तैयार। हम सिलेंडर बिल्कुल कम कर देंगे, चूल्हा, जिनको नहीं पता हम तो आजकल सिलेंडर ही जला रहे हैं। माशाल्लाह जी, मैंने चूल्हा बंद कर दिया, ये देख लें अभी बुलबुले आ रहे हैं हल्के हल्के। चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया, अब हम ना इसको मतलब निकालते हैं डिश में। ये देखें जी माशाल्लाह, हमारा कोरमा तैयार हो गया है। अब हम इस बाउल में निकाल लेंगे और इन चीज़ों से हम करेंगे इसकी गार्निश। ये लेमन, बादाम, धनिया, सब्ज़ मिर्चें। अच्छा जी, ये देखें जी, इसका मसाला हमने दड़दड़ा रखा हुआ था ना, मतलब बादाम और दूसरी प्याज, तो ये इस तरह का है। ये देखें जी, पेंटिंग बड़ी प्यारी लगी हुई है माशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह, कोरमे का कलर कितना खूबसूरत आया है। अब इसमें डाले जाएंगे बादाम, जितनी ये खूबसूरत लग रही है ना, इसी तरह हम खाएंगे मज़े मज़े के साथ। नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, वो आप लोगों की मर्ज़ी। हम किसके साथ खाएंगे? नान के साथ। ये जी सब्ज़, कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं वो डाल दी हैं, ये देख लें कि ये भी ज़्यादा नहीं है। ये कुछ सब्ज़ धनिया माशाल्लाह, ये देख लें जी। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया इसको बनाते हुए। तो अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। चलें जी, अब हमें दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।